और छोरो की हाल। तो आप सभी का स्वागत है मॉन्स्टर लेजेंड्स के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस वेल आज के एपिसोड में भैया मेरे पास तुम सभी को दिखाने के लिए इतने सारे सरप्राइजेस है ना भैया। मैंने 4 दिनों से इतनी मेहनत की ना ऑफलाइन खेल खेलकर, अपने पास तुम देख सकते हो इतना सारा पैसा हो चुका है और इतना सारा खाना हो चुका है, और उसके अलावा मेरे पास काफी सारी नई नई चीजें हैं तुम सभी को दिखाने के लिए। भैया ये बात है कि आज के एपिसोड को देखकर ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, कतई मैंने मतलब इतनी मेहनत की ऑफलाइन, मतलब कतई स्वाद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। और उसके अलावा वेल मुझे डेफिनेटली पता है आज के एपिसोड में अपन काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में अपन लोग आइलैंड वन के बॉस को भी कूट देंगे, यानी आज के एपिसोड में भैया दुनिया भर का मजा आने वाला है। और वेल देखो मैंने ऑफलाइन है ना बहुत मेहनत की है, ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो पर भैया 3000 लाइक मतलब बनता ही बनता है भाई। 2 दिनों में 3000 लाइक अगर ना हुए ना तो भैया मतलब काम मजा आएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो वेल देखो मेरे पास तुम सभी को दिखाने के लिए काफी कुछ है, मैं वो सब तुम्हें एक एक करके दिखाना स्टार्ट कर दूंगा। बट उससे पहले सबसे पहले अपन अपनी धन दौलत कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है गेम में आगे जाने के लिए। धन दौलत का इकट्ठा होना तो बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। ऑलराइट, तो उसके अलावा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम जैसा देख सकते हो मेरा भैया मतलब ऐसे ही बस कॉम्बिनेशन बना बुनू के ऑफलाइन है ना इन दोनों को जन्म दे दिया। पांडा मतलब इसका नाम क्या था भूल गया मैं तो, तिवारी तिवारी, ओके तिवारी जी, ठीक है। हाँ तो अपने एक तिवारी जी बना दिया, और उसके अलावा हाँ मैंने फायर कॉम प्लस किसी मतलब हरे भरे को कॉम्बाइंड करके ये भी बना दिया, ठीक है। ये इसका पता नहीं ग्रीन वाला, ठीक है, अभी बताऊंगा सब कुछ दिखाऊंगा कैसे बनाया, मतलब चलो पहले दिखाई देता हूँ वरना प्राण न पियोगे तुम। तो सबसे पहले अरे हाँ एक चीज़ और है, जैसा तुम देख सकते हो अपन ने एक न्यू अंडा बनाया, ठीक है। मैंने करा भैया ये अंडा बिल्कुल देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो मैंने सोचा इसको तुम्हारे सामने ही ओपन करूंगा, ठीक है। तो अपन इसको हैचिंग पे लगा देते हैं, ये है बैम्बोन, वेल इलेक्ट्रिक टाइप है, इलेक्ट्रिक टाइप अच्छा होता है, तो ठीक है। तो इसको अपन यहाँ प्लेस कर देते हैं, ऑलराइट, हाँ ओके ओके, वेल ठीक है, वैसे भी अपने को सही है, लोंडा देखने में अच्छा है, ठीक है। इससे भी अपन मतलब कॉम्बाइंड करके कुछ ना कुछ और बना देंगे, ब्रीडिंग करवा के फिर कुछ ना कुछ अच्छा बना देंगे, ठीक है, डोंट वरी। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी से इन सभी का वो अच्छा एक अंडा और लगा रखा है। हाय राम, ये साला कितनी बार मिलेगा रे यार, नहीं चाहिए मेरे को भाई, तू नहीं चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, मैं तुम्हें फटाफट से ब्रीडिंग लॉग दिखा देता हूँ कि मैंने भैया किस किस को कैसे कैसे मतलब किस किस कॉम्बो से मैंने क्या क्या ब्रीड करवाया ताकि मुझे ये मिला, ठीक है। तो अपने को ये बेबून मिला है, चलो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, फिर तुम कब काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हमको दिखा तूने किस तरह से कैसे कैसे बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले फायर कॉन की बात कर लें, तो उसके लिए 2 मेथड है, देख लो, एक तो या तो तुम इस पत्थर मोन प्लस फायर मोन की ब्रीडिंग करवा लो, फायर सूरा है ना, या फिर इस इलेक्ट्रिक लोंडी और पत्थर मोन, ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा तुम लोग देख सकते हो, और उसके अलावा ये वाला बंदा और प्लस ये ग्रीन ग्रीन मिलाकर मैंने एक पांडा बनाया, ठीक है, कुनफू पांडा, पांडा कैन, ओके ठीक है। पर ये सब तो मैंने लास्ट एपिसोड में बना दिए थे, ठीक है। अच्छा ये पांडा कैन ऑफलाइन बनाया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने पांडा कैन प्लस उस हरे भरे को मिक्स करके टार जैप बनाया, ठीक है, जो तुम्हारे सामने है बिल्कुल, एंड बाकी का सब तुम्हारे सामने ही है, जो है वो है, ठीक है। उसके अलावा बैम्बू प्लस ये करंट वाली छोरी और ये टार्जन का लोंडा, इन दोनों को मिक्स करके ये बनाया मैंने, ठीक है। एंड मुझे ये लोंडा नहीं चाहिए, ये फायर शूरा सेल हिम, क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन है, कुछ ज़्यादा, ठीक है। गोल्स में मेरे डेली मिशन ओपन हो चुके हैं, क्योंकि एज यू कैन सी मेरा लेवल हो चुका है 16। भाई मेरी बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई, ठीक है, मुझे लगा आधा एपिसोड तो मेरा ना ये सब दिखाने में ही निकल जाएगा, बहुत कुछ है मेरे पास। तो मैं फटाफट ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ, काम आएगा, ज़रूरी है। ऑलराइट, अपने पास ये भी हो चुका है, और उसके अलावा मैंने अपने एरिया का तुम जैसा देख सकते हो सारे फूल पत्ते जितने भी थे मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। एंड जी हाँ, अभी बहुत कुछ है, मैं कह रहा हूँ ना भैया बहुत कुछ है दिखाने को। एज यू कैन सी मैंने मतलब लॉग इन कर लिया अकाउंट में, तो मेरे को एक ये मिला है कमोडो कोमो कैट, तो ये वाटर टाइप है, इसके लिए अपने को वाटर टाइप वो बनाना पड़ेगा हैबिटेट, ठीक है। और वैसे मैं उसे चाहूँ तो नेचर हैबिटेट में डाल सकता हूँ, बट वाटर हैबिटेट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज अपनी फाइट है फायर टाइप वालों के सामने, ठीक है।
तो उनके अगेंस्ट में वाटर टाइप स्ट्रांग होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 1 घंटा वेल मेरे पास इतना टाइम तो ना है, तो यू नो जस्ट इंस्टेंटली इंस्टॉल इट, है ना। मतलब कौन इतना टाइम लगाएगा भाई, हम तो ना लगा रहे। ऑलराइट, तो अब एक काम कर लेते हैं अपन, अपने इस कोमोकेट के अंडा है ना, इसको फोड़ लेते हैं, यूज इट। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रेट नाइस बात है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा और भी बहुत कुछ है मेरे पास, अरे चिल मारो, अभी तो बहुत कुछ है दिखाने को। ये क्या है, इवेंट वगैरह चल रहा है कोई? वेल ठीक है, हाँ तो एक इवेंट यहाँ, हाँ और उसके अलावा ये कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ ये देखो मेरे पास भैया बर्थडे चेस्ट भी हैं, जिनको खोलने पर अंदर से कुछ माल मसाला निकलेगा। बट उससे पहले अपन इन चेस्ट को खोल लेते हैं, ब्रॉन्ज रेलिक चेस्ट। वेल मेरे को नहीं पता ये क्या काम आएगी, इसलिए मैं एक ही बार में सारी खोल देता हूँ। एक बार में सारी खुलेगी ना? जी हाँ बिल्कुल। एंड अपने को कछु भी कुछ खासा, मतलब मेजर वेटेलिटी इनसेन, पता नहीं क्या है, रिजनरेशन ओवल ये काम आएगा क्या। एंड थंडर रिवेंज, मेरे पास थंडर वाला नहीं है कुछ भी। पनिशर स्वॉर्ड पर ठीक है, मतलब देखेंगे कुछ अच्छा काम का निकला तो। लेवल 5 रन, जी हाँ अपन 16 लेवल के हैं, तो मेरे रन वाला स्टोर सेक्शन जो भी है वो भी ओपन हो गया है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। मिलना कुछ है या नहीं पता नहीं। इसके अंदर अपने को लाइफ लेवल 5, हाँ अच्छा है, लेवल 5 का है इसलिए अच्छा है बिल्कुल। सिल्वर रेलिक चेस्ट, पता नहीं इसके अंदर तो क्या ही निकलेगा, अभी अभी दुनिया भर का कबाड़ निकला है। तो वह आइस ब्रेकिंग ग्रेट स्वॉर्ड, वेल तुम कह रहे हो तो ग्रेट होगी, हम का जाने, ठीक है। अब बारी है डायमंड चेस्ट ओपन करने की, यानी बर्थडे चेस्ट। तो इनके अंदर निकलेगा, ग्रेट, क्या मजाक कर रहे हो यार। वेल डायमंड चेस्ट है इसलिए इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छी। बर्थडे टिकट पता नहीं क्या काम आएगी, बस पड़ी हुई है तो मैं इनको बचा लेता हूँ, मतलब लेट्स सी क्या काम आती है, ठीक है। ब्रॉन्ज चेस्ट इनटू 50, हो ग्रेट, 50 हो गई, मजाक ना है। ऑलराइट, तो मैं ये सारी खोल देता हूँ। लेवल 3 से लेवल 10 तक के रन मिलेंगे इसके अंदर, अच्छी बात है, जी हाँ ग्रेट। टीम स्पीड लेवल, वेल ये अच्छा है, टीम कॉम्बैट में बहुत काम आएगा, तो नाइस। टीम स्ट्रेंथ लेवल 4, वेल ये भी अच्छा है, नाइस है ना। और ये रेलिक चेस्ट मैं कभी और ओपन करूँगा, मतलब अभी तो काम भी नहीं है अपना। उसके अलावा ये रहा अपना रन वाला सेक्शन, जहाँ पर मुझे कुछ करना है इसके साथ। बाय म्यूटेट क्राफ्टिंग इक्विप्ड, ओके इक्विप्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पर मेरे हिसाब से ये वाला कौन सा है, ये टीम स्टेमिना, ठीक है। टीम स्पीड, वेल ठीक है। टीम स्ट्रेंथ ये वाला कर लेते हैं, अपग्रेड नाउ, वेल अब ठीक है कर दो, मेरे को खा जा रहा है, मेरे पास बहुत माल है। वी आर 2, आओ अच्छा, मतलब उस लेवल के रन के लिए मुझे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐसा सीन है का, ये का बात ही रे, ये तो हमको मालूम भी नहीं था। और अगले उसके लिए बहुत चाहिए, तो रहन देते हैं, छोटे मोटे रन लगा लेते हैं, क्योंकि अपने पास हाँ वही कर सकते हैं फिलहाल तो अपन, वही टेंशन की क्या बात है। अपने पास स्ट्रेंथ लेवल 2 है, तो अपन इसको लगा देते हैं। और उसके अलावा मेरे पास और कुछ टीम लाइफ लेवल, वेल यही लगा देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, जी हाँ। अच्छा किस मॉन्स्टर पे लगाना है ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अरे वाह यार बहुत सही बात है ये तो, है ना। अच्छा एक्चुअली मेरा कमोडो ड्रैगन हो गया होगा अब तक शायद, है ना, अरे जी हाँ हो गया, ठीक है इसको हैच कर लेते हैं और इसी को खा, ये कमोडो ड्रैगन है, पहले तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूँ, मुझे तो लगे नहीं है ये होगा, है ना। बट ये वाटर टाइप है और अपने को वाटर टाइप चाहिए, तो वेल आने दो, कहाँ जा रहा है, ठीक है ग्रेट ओके, मतलब ठीक है कोई बुराई नहीं है। 78 रेयर बंदा है ये, ठीक है। उसके अलावा अपन एक काम और कर लेते हैं, चलते हैं शॉप के अंदर मॉन्स्टर, एंड यहाँ से अपन एक आधे वाटर पोकेमोन बाय कर लेते हैं, क्योंकि अपने को वो भी ज़रूरी चाहिए, ठीक है। उनकी ब्रीडिंग करा के मैं और भी ख़तरनाक बंदे ले आऊँगा, बट अबे कहाँ ले जा रहे हो यार, मेरे वाले बंदे कहाँ हैं। ऑलराइट तो ये रहे, ठीक है। तो अपने को यहाँ से बाय करना है एक वाटर पोकेमोन, ठीक है जी हाँ। इसको 3 घंटे लगेंगे हैच होने में, बहुत अच्छी, मेरा बैटल अभी है भैया, 3 घंटे बाद कहाँ करूँगा हैच करके। ऑलराइट इंस्टेंटली हैच कर दो, वैसे भी फ्री का माल है अपना, खा जा रहा है, ठीक है। राम राम, अपना पराया माल अपना है ना जी।
जी हाँ। जलपरा। वेल बहुत अच्छी बात है ना। जी हाँ तू बहुत काम आएगा, तेरे से मैं ब्रीडिंग करा करूँ कर ना बहुत सारे बंदे बनाऊंगा। वेल एक्चुअली बना ही लेते हैं ब्रीडिंग कर। ये क्या, वेल आई डोंट नो। ठीक है एक काम करते हैं, इसको ब्री वेल इसको हटा देते हैं सबसे पहले, क्लीन इट, एक मिनट में हो जाएगा। ओके कूल। ठीक है तो मैं बताऊँ ब्रीडिंग किस किस की करवाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में आ रही है पांडा कैन, रेयर बंदा है, इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे अपन। अच्छा उनका लेवल अप करना पड़ेगा सबसे पहले, खिलाफ ला के साले मरे पड़े हैं कमजोर कहेंगे। ऑलराइट तो अगर ब्रीडिंग करानी है तो मैं स्ट्रॉन्ग वाले बंदों की कराऊंगा ना, तो इसको पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। लेवल 4 हो गया, लेवल 7-8 के आसपास। ओके न्यू लर्न स्किल, ठीक है लर्न कर ली, गुड। ओके लेवल 10 तक ले जाते हैं इसको अपन, नाइस। ओके तो ये लेवल 10 हो चुका है, इसका हैबिटेट बनाना पड़ेगा इसको मैक्स करने के लिए। हाँ वेल नो वरी, बना देंगे बाद में, कभी और मूड हुआ तो। ठीक है उसके अलावा मैं इस जल परी को भी कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को आज वाटर पोकेमोन चाहिए बहुत सारे। ठीक है ऑलराइट तो फाइनली अपना जल परा भी भैया लेवल 10 का यानी मैक्स लेवल हो चुका है। इसका हैबिटेट बनाएंगे तो ये भी आगे का लेवल पे जा पाएगा। ठीक है उसको देखेंगे बाद में। और उसके अलावा मैंने अभी अभी एक चीज नोटिस की, या वेल यही कहीं था, ये नहीं ये नहीं है, वेल आज हाँ ये है शायद मेरे हिसाब से, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी अभी अपने को खिलाफ लाकर भैया ये मिला है एक और डायमंड चेस्ट, तो मेरे पास शायद मेरे हिसाब से यहाँ, जी हाँ मेरे पास है। ठीक है वेल इसको ओपन करेंगे, वेल जल्द ही करेंगे। ठीक है ऑलराइट तो मेरे दोनों जलपरा हो चुके हैं पावरफुल। वेल इसको मैं अपग्रेड नहीं कर सकता, और इसको कर सकता हूँ बट 40 जेम्स, रहन दो मैनू नहीं करना। ठीक है और उसके अलावा मैंने अपने फार्म्स को भी अपग्रेड कर लिया है। ठीक है अब इसके अंदर मैं और भी बहुत तरह के फल फ्रूट उगा सकता हूँ, तो जी हाँ इनमें ज़्यादा वो नहीं लगता। तो एज यू कैन सी अभी तो मेरे पास खाने की कमी ना है, तो मैं बाद में उगा दूंगा इनमें। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसमें 3000 डायमंड वो मिल जाते हैं फल अपने को एक बार में, तो जी हाँ ये बहुत सही है। ठीक है बड़ा फार्म अच्छे लगते हैं, और उसके अलावा अपन इसको अगले लेवल पर यानी लेवल 20 पर भी अपग्रेड कर सकते हैं। वेल बाद में देखेंगे वो तो अपन, अभी के लिए अपन ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं अपनी लेजेंडरी बंदों की करवाऊंगा इसकी प्लस एंड इसकी तिवारी जी। जी हाँ तो मैं इन दोनों की ब्रीडिंग करवा देता हूँ, और इनसे ब्रीड होकर मेरे को 2 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं है भैया जी, पर अपने को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास बहुत सारा माल है। और भैया ऑफलाइन है ना, दुनिया भर के टिकटॉक विकटॉक के एड देख दाख कर इतना माल किया है, मेरा ऑलमोस्ट दिमाग खराब हो गया था खते। ठीक है बट फिर भी जो भी हो अपना काम बन गया, और अपने को एक अंडा मिला है इससे, एंड इसको हैच होने में भी टाइम लगेगा, बहुत टाइम एक्चुअली, है ना। सेलू के वाले एक्चुअली देखने दो सेलू के है क्या है, नहीं मतलब कुछ खतरनाक हुआ तो इसको मैं अभी हैच कर दूंगा। सेलू के वाटर प्लस ग्रास, यो है सेलू के। हाँ ऑलराइट तो एडवर्टाइजमेंट देख दाख कर ये घंटों का काम मिनटों में कर घुरा के अपना काम हो चुका है, तो गो टू शॉप। अच्छा अपने को एक और हैबिटेट लगाना पड़ेगा। हाँ नेचर हैबिटेट लगा सकते हैं अपन एक्चुअली, है ना, क्योंकि मतलब या क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक तो, और दूसरी बात वो बंदा नेचर हैबिटेट में भी जीवित रह सकता है, तो वाई नॉट, है ना, लगा देते हैं। और वाली काम होता है तब तक अपन एक और ब्रीडिंग कर देते हैं। एक बार मेरे को इसकी ब्रीडिंग किससे करवाऊँ, वेल ये दोनों रेयर कैटेगरी के बंदे हैं, तो एक मिनट वेल एक्चुअली ये काम करते हैं, इसकी ब्रीडिंग मैं करवा देता हूँ इलेक्ट्रिक टाइप से, लेट्स सी इससे क्या बनता है। ठीक है कुछ मतलब मज़ेदार सा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 30 सेकेंड, ओ वेल आई कैन वेट इतना तो। ठीक है और राइट इसको हैच कर देते हैं, प्लेस इट हियर, देन अपना जो भी है ये सेकुला पटेला जो भी है ये, तू मतलब वेल इतना कुछ मतलब मैंने सोचा कुछ खतरनाक अटैक होंगे तेरे, बट ओके गुड नाइस नाइस टू मीट यू, है ना सर, आ जाओ मेरे पास एंड मैं तेरे को भी अपग्रेड कर देता हूँ। मेरे पास बहुत माल है, वी आर इवन रही देन एलन मस्क चाचा। ठीक है वी आर सो मच रईस। ठीक है तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं अपग्रेड वगैरह, क्योंकि बहुत माल है अपने पास, वी आर टू मच रईस। जी हाँ ऑलराइट तो अब मेरे हिसाब से अपन काफ़ी रईस हो चुके हैं। ठीक है तो मैं अगर आप फाइट करने जाऊंगा तो मैं उससे इजीली जीत जाऊंगा, और इससे भी यही मिला, वाह मुझे नहीं पता था ये ऐसे भी मिलता है, बट लीव इट। ठीक है
ऑलराइट, तो एक काम कर लेते हैं, मैं वाटर वाले बंदे की ब्रीडिंग करवा देता हूँ। प्योर फायर बंदा है कोई? ये फायर टाइप का नहीं है, पेवर फायर टाइप, ठीक है, मेरे को कोई नहीं, ठीक है। तो मैं भैया प्योर वाटर वर्सेस प्योर फायर वाले बंदों की ब्रीडिंग करवाऊंगा, लेट्स सी क्या बनता है। एंड अपना बना है कुछ वाइपर विल, वेल लेट्स सी है ना क्या होता है क्या नहीं। अभी वैसे मेरे को ज्यादा वाटर पोकेमोन्स की आवश्यकता नहीं है, तो इसको अपन अगले एपिसोड में चेकआउट कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं इस जगह को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि अपन का प्लेस क्लीन हो चुका है कतई, ठीक है। और राइट, तो ये ठीक है, वापस मैं फाइट वाइट करके आता हूँ, तब तक तुम लोग इस एरिया को क्लीन कर दो, अपन यहाँ पर भी कुछ प्लेसमेंट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। एंड मेरे पास शायद बर्थडे चेस्ट एक है, वाइल इसको ओपन कर लेते हैं, वाई नॉट, है ना, क्या पता इसमें कुछ काम का मिल जाए जाने से पहले। वेल मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगा है, बट ठीक है, लीव इट। ऑलराइट, तो एक मेरे को ये भी मिला है, रिपेयर लाइब्रेरी, वेल इसको बाद में चेकआउट करेंगे, अभी मेरे वर्कर्स काम पर लग रहे हैं। जी हाँ, हाँ जी सर, मैं याद हुई या नहीं हूँ तुझे? नहीं याद है, लास्ट एपिसोड में कुछ तूने मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब कर दी थी। ओ वेल, जी हाँ सर, मैं वही वही उसी का इंतकाम लेने तेरे से वापस आया हूँ। तो आज अपना रीमैच होने वाला है, और अब मेरे एक्चुअली अपने को हटाना पड़ेगा इन लोगों को। ऑलराइट, तो सर आज मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं, ओके तो सर मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि तू और तेरी पंटर खत्म मेरे सामने, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम लोग कुछ कर पाओगे, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, ठीक है। रेज कट, हो भाई साहब, ये लोग खत्म, डेफिनेटली ये लोग खत्म, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा ये कुछ कर पाएंगे अपने आगे, है ना। और ये अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वेल देन ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है। वेल मुझे पूरी पूरी फीलिंग आ रही है कि आज भैया बॉस की हालत खराब है, ठीक है। क्लीनिंग, ओहो अच्छा है, ओ ग्रेट ग्रेट, वॉटर स्लैश कमजोर है थोड़ा, ये ही ठीक है ना। अरे यार, मेरे को एक बंदा डैड कर देना चाहिए था, मेरे को फालतू में डैमेज ले लिया मैंने, सच कह रहा हूँ, है ना। ये क्या बात हुई, मैं स्टन हो गया, वो भी हो गया। वेल देखो, उनका तो मुझे पता भी था कि भाई लल्लू पंजू है, ऐसे मर जाएंगे, ठीक है। मेन फाइट तो भैया इस बंदे से है अपनी, ये साला कछु ज्यादा स्ट्रोंग है। वेल इस पर ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो यही कर देते हैं। वेट स्लैब, हुआ कुछ नहीं, पता नहीं हुआ भी होगा जान नहीं हुआ होगा। सिटिंग रॉट डील लो नेचर डैमेज, रहने दो, एंड डील नेचर डैमेज एंड स्लो टारगेट रिक्वायर कूल डाउन। अच्छा, वेल वैसे भी ये मरने वाला है एक्चुअली, है ना, तो 87, वेल बुरा नहीं है, कर देते हैं। एंड उस पर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ शायद कुछ, वेल लेट्स सी, बाद में पता चलेगा। बवल अटैक 172 इक्वल है, तो यही कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। हाँ जी, फायर स्पार्क, वेल ब्रदर कोई बात नहीं, तूने मार दिया, बट यू स्टिल गोइंग टू डाई। एक्चुअली मैंने थोड़ा लो लेवल का अटैक किया, बट अब ये ख़त्म है। जी हाँ भाई साहब, ओए ये क्या, आओ मैं, ओके मैं सोचा भाई वो मरा क्यों नहीं, ठीक है, कोई ना, अब मर ले। फाइनली विक्ट्री मिल गई, अपन ने अपना पहला बॉस डिफीट कर दिया। तो इसके साथ जीतने पर मेरे को मिला है एक अंडा, जी हाँ वो मेरे को चाहिए, वही मेरे को चाहिए, ठीक है। ओके ये रहा, ठीक है, ओके मेरे सारे हैबिटेट फुल भरे हुए हैं, किसी हैबिटेट को खाली करना पड़ेगा इसमें। वेल नेचर हैबिटेट, इसके अंदर एक ही तो है, ये मिल क्यों नहीं रहा, तो फिर भाई नहीं, ये नहीं जाना, मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ पर ये बंदा नेचर वाला भी है। द हैचिंग इज फुल, हैचर फुल है ना अपना, वही तो। वेल 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 वह तू एक काम कर, कर ही दे, सोचेंगे कदे और, ठीक है। यू आर हैबिटेट ऑफ वाटर इज फायर, वाटर और फायर है ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फायर हैबिटेट बना देता हूँ, क्योंकि वाटर वाले को बनने में बहुत टाइम लगेगा, और उतना टाइम मेरे पास है ना, ठीक है। ऑलराइट, अपना फायर हैबिटेट रेडी हो चुका है, तो अब इस बंदे को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, इसको भी बाद में खिला पिला के बड़ा कर देंगे, नो वरी, है ना। एंड ये भाई साहब भयानक है ये, ठीक है, ये फायर टाइप भी है और ये वाटर टाइप भी है मेरे हिसाब से। जी हाँ, ये दोनों टाइप का बंदा है, गजब, इसके सामने कौन आएगा मुझे तो ये बताओ, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं,
जी हाँ, फीड करा दो इसको, दवा कर। ऑलराइट, तो ये लेवल 10 का हो चुका है। इसके पास एक फायर और एक वाटर अटैक है। जी हाँ, तो मेरे को वाटर या फिर फायर हैबिट है वो बनाना पड़ेगा टेंपल, तब मैं इसको और भी लेवल पे इंक्रीज कर पाऊंगा। ऑलराइट ठीक है, समझ गए। तो मेरे को 1 लाख यूज़ करने तब मेरे को और मिलेगा। वेल लेट सी क्या होता है ना। और उसके अलावा कुछ और भी था जो मैंने देखा नहीं एक्चुअली। जी हाँ, ये रहा वो। वेल एक्चुअली इधर आने से पहले मैं इसमें आ जाता हूँ और इसको रिपेयर कर लेते हैं। 7.5K कर दे, बहुत ऐसे अपन रईसों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वेल द लाइब्रेरी हैज़ बीन रिव्यूड, ठीक है, कंटिन्यू। होगा इसके अंदर कुछ, लेट्स सी। आई एम द कीपर मेनी ईयर एक। ऑलराइट, तो ये बता रहा है अपने को वो जो चचा था ना, वो मैजिकल वाला, उसने ये लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय कर दी थी एक वॉर के टाइम पर, ठीक है। तो अपने को ये बता रहा है यहाँ पर क्या क्या सीन पानी होता है। वेल मॉन्स्टर ओपन बुक कर दो, ठीक है, कंटिन्यू, फिनिश। वेल आई डोंट नो, जो भी है ठीक है। रिवॉर्ड, हाँ अच्छा, ये वाली बुक पूरी करने पर अपने को रिवॉर्ड मिलेगा। थंडर ईगल भी चाहिए मेरे को। हाँ लेट्स सी, इसमें अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक, एंड जी हाँ ये यहाँ पर है 5K। वेल नॉट अ बिग डील, मेरे को ले लेना चाहिए है ना, 5K इज नॉट अ बिग डील, ओके। बट मेरे पास जेम्स खत्म हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अगले एपिसोड तक मेरे पास और भी जेम्स हो जाएंगे एंड अपना ये हाथी भी हो जाएगा और अपने को मेरे हिसाब से वेल और भी माल मसाला कलेक्ट करना पड़ेगा। वेल कोई बात नहीं, अगले एपिसोड तक मैं वो भी कर लूँगा। वेल आज के एपिसोड में मेरे हिसाब से तुम सभी को भैया डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा, है ना भाई। मजा आया तो वीडियो को लाइक करने में इतनी दरिंदगी क्यों दिखा रहे हो, फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं जल्दी एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।